और 20 के बाद बोलो, चलो पूछो, जिसको जो डाउट है बोलो। सर 41 अरे रुक जाओ, उसके पहले भी डाउट होंगे ना। 20 के बाद सर, वाले, 20, 20, 21 24 27 21 21 साइन एन प्लस वन ए माइनस साइन एन माइनस वन ए बाई कॉस एन प्लस वन ए प्लस टू कॉस एन ए प्लस कॉस एन माइनस वन ए। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाओ ऊपर में, क्या होगा बताओ। टू साइन एन एन प्लस वन ए माइनस दिस, क्या बच जाएगा, टू साइन ए बच जाएगा। यस सर। कॉस में क्या आ रहा है, एन ए, एन ए आ रहा है ना, और नीचे में किसी के साथ कंबाइन कर दो, तो नीचे में चलो मैं इसको इसको कंबाइन कर देता हूं, इसको इसको, क्या बन जाएगा बताओ। टू कॉस एन ए कॉस ए प्लस टू कॉस एन ए, चमका ना। तो टू 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 कट गया, कॉस एन ए कट गया, साइन ए बाई वन प्लस कॉस ए, तो साइन ए कितना होता है, साइन ए रहेगा, कॉस ए कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, साइन ए कितना होगा, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू बाई टू कॉस ए बाई टू, कितना आ गया बताओ, टेन ए बाई टू, इतना क्लियर है क्या। यस सर, यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो, नेक्स्ट कॉपी कर लिए। यस सर, यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलो। 23rd जो भी डाउट है ना, ईमानदारी से पूछो, ठीक है, कोई छिपाना नहीं, कुछ छिपाना नहीं है, जो डाउट है पूछो, मैं सॉल्व करूंगा। 23rd साइन टू एन प्लस वन ए साइन ए, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो, साइन स्क्वायर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एन प्लस वन ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए। अगर एलएचएस से आरएचएस आना चाहते हो, सॉरी, अगर आरएचएस से एलएचएस आना चाहते हो तो बताओ, कोई सीधा फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन एन प्लस वन ए माइनस एन ए इंटू साइन एन प्लस वन ए प्लस एन ए, है ना, हमारा कितना हो जाएगा, एन ए एन ए कट जाएगा, साइन ए इंटू साइन ऑफ टू एन प्लस वन ए, हो गया। और अगर एलएचएस से आरएचएस आना चाहते हो, एलएचएस से आरएचएस, एलएचएस से आरएचएस, तो बताओ कैसे होगा सर, टू से इनटू और टू डिवाइड। बहुत अच्छा,
टू साइन ए साइन बी क्या होता है, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस टू वन प्लस वन ए प्लस ए माइनस, सॉरी यहां पे माइनस होता है और यहां पर तुम्हारा कितना आ जाएगा, कॉस टू वन प्लस वन ए प्लस ए, ठीक है। मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ ए कट जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, कॉस टू एन ए और माइनस कॉस टू एन प्लस टू ए। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है तो अभी बस डाल दो। तो अभी यहां पर हाफ आ गया, कॉस टू एन ए को लिख दो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एन ए माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर एन प्लस वन ए, ठीक है। वन वन कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, साइन स्क्वायर एन प्लस वन ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए, हो गया। दो मिनट नोट करने। हाँ हाँ नोट करो नोट करो। थोड़ा सा साइड हो जाए, साथ में वो लास्ट स्टेप में कट कैसे किया? अरे वन वन कट गया ना और टू टू कट गया, सर डन।
हाँ नेक्स्ट बोलो. हेलो. हाँ सर. हाँ नेक्स्ट बोलो. 26 tan 2a is equals to sec 2a plus 1 into sec square a minus 1. ठीक है. LHS से RHS से LHS जा रहा हूं मैं. ठीक है, क्योंकि RHS में बड़ा है ना, ज्यादा आसान रहेगा करना. sec square a minus 1 कितना होता है? tan a होता है. sec square a minus 1 कितना होता है? tan square a होता है ना, तो tan a आ गया. sec क्या होता है? cos 2a होता है. तो 1 plus cos 2a by cos 2a, अरे भाई समझ में आ रहा है ना, into sin a by cos a. बोलो भाई. है सर. 1 plus cos 2a कितना होगा बेटा? 2 cos square a by cos 2a into sin a by cos a होगा बेटा. cos a कट गया, कितना आ गया? sin 2a by cos 2a, जो कितना होता है? tan 2a. क्लियर है? यस सर. कॉपी करिए. सर अगर LHS से RHS पे जाना है तो कैसे जाएंगे? नहीं आ पाओगे तो वो कैसे मालूम? कैसे? बस यही, इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा लिख लो. बट वो लॉजिकल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बोर्ड लेवल के लिए, तो क्या करना चाहिए तुमको कि हमेशा बड़े वाले साइड से छोटे वाले साइड में जाओ. बड़े को छोटे में कर सकते हो, छोटे को बड़े में कैसे करोगे? दिक्कत हो जाती है. ठीक है, तो वैसे ही कर लिया करो. ओके सर. हो गया सर कॉपी. हाँ नेक्स्ट बोलो. सर 27 27. अबे ये तो क्लास में किया था,
नहीं किया था क्या? cos क्यूब 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4 cos की पावर 6 थीटा माइनस sin की पावर 6 थीटा, ठीक है? तो क्या होगा, यहां से आते हैं, cos की पावर 6 थीटा माइनस sin की पावर 6 थीटा इनटू 4, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। चमक गया ना क्या लगाया मैंने? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बताओ भाई क्या लगाया? हाँ मैं भी देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है। कैसे हटाऊं? पवरी भाई तब से वही सोच रहा हूं मैं, हटाऊं कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा, रुको 2 मिनट टाइम दूंगा, कुछ करता हूं। चादर दो ना मुझे कुछ, नहीं और बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है। अभी खत्म हुआ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, अभी समझ में आ गया ना कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ तो अब बताओ मुझे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा? 4 cos 2 थीटा होगा। यस सर। और cos पावर 4 प्लस sin पावर 4 को मैंने पहले ही बताया था, क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई है कि नहीं? है ना। अभी क्या हो जाएगा? ये 4 कॉस 2 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो इतना क्लियर है? तो अभी इस 4 को अंदर ले लो तो cos 2 थीटा इंटू 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। आई होप सबको चमक जाता होगा फटाफट। ये 4 यहां पर गया तो 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 2 थीटा। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अभी देखो cos 2 थीटा, अब इस 4 को 3 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर 2 थीटा। बोलो क्लियर है? तो क्या हो गया? 3 cos 2 theta plus cos cube 2 theta हो गया सर। वो second last step बताना। second last step क्या बोल रहे हो भाई? सर second last step कौन सा? ये यहाँ से यहाँ कि यहाँ से यहाँ? सर वो second वाला। अबे 4 को 4 क्या बोल रहे हो? 4 को लिखा 3 plus 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमको लगा तुम ऊपर वाला पूछ रहे हो, ऊपर वाला ज्यादा टफ है।
कॉपी कर लिए? दो मिनट सर, एक बार जो आपने वो 3+1 किया ना, उसके बाद 1 - sin²2θ को आपने cos²2θ कैसे लिखा? हाँ सर, समझ गया सर, कर दिया मैंने। सर हो गया। हाँ जी, क्लियर है क्या? यस सर। रब करें? यस सर। चलो भाई ना, अगला बोलो सर। 26 वाला अभी तो सॉल्व किया, 26 फिर से पूछ रही हो? हेलो, चल रहा है भाई? सर हेलो, एक मिनट सर, एक मिनट लगता है, गलत वाला बोल दिया। हाँ सर, गलती से बोल दिया। चलो नेक्स्ट बोलो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे बोलो। 28 भी क्लास में किए थे उस दिन, आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं क्वेश्चंस किए हुए का। 28 देखिए, 1 + cos²2θ is equals to 2 cos की पावर 4θ plus sin की पावर 4θ। किए तो थे, ये नहीं किए थे? cos power 4 plus sin power 4θ कैसे लिखेंगे? cos power 4 plus sin power 4 को आप क्या लिख सकते हो? cos² + sin² का whole² याद आ रहा है? -2 sin²θ cos²θ, है ना? ये तो 1 हो गया आपका, तो 1 - 2 sin²θ cos²θ। बोलो क्लियर है क्या ये? यस सर। ठीक है, और बाहर में 2 भी है ना, तो ये बाहर का 2 भी रखे रहते हैं साथ में, ये तो 2 आ गया, ये कितना आ जाएगा? 2 - 4 sin²cos²θ। बोलो क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 - sin²2θ। तो 1 + 1 - sin²2θ। बोलिए क्लियर है क्या? ये क्या हो जाएगा? 1 + cos²2θ, है ना? यस सर। कॉपी करिए बेटा। सर लेकिन इसको, सर इसको LHS से नहीं कर सकते? नहीं कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे, दिक्कत आ जाए। कर लो, क्यों नहीं कर सकते हैं, बट देखो दिक्कत क्या है ना बेटा, LHS से आगे जाओगे आपको कैसे मालूम चलेगा कि किसको साइन में रखना है, किसको कॉस में रखना है? बस और कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पर किया है उसी का उल्टा प्रोसेस कर दोगी तो पहुंच जाओगी। सर हाँ, जैसे cos 2θ के से तीन अलग अलग फॉर्मूले है ना, तो कैसे समझने का कि कौन सा यूज करना है? जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आंसर तीनों से आएगा?
नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? यस सर। रब करें? यस सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो नेक्स्ट। हेलो 32 क्लास में किया होगा ना बेटा? 32 मैंने क्लास में नहीं कराया है क्या? तो फॉर्मूला है ना? क्या हुआ? तो फॉर्मूला है ना सर ये? हाँ ड्राइव क्लास में प्रॉपर ड्राइव किया था, नहीं किया था क्या ड्राइव? बताओ तो सब लोग किया था सर। थोड़ा सब लोग क्लास में इंटरेक्टिव रहो यार, सब लोग चुप हो जाते हैं। देखो कुछ करना कैसे, ठीक है? मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करो इसको, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? 1/10 अल्फा और आप कर लोगे खुद से, मेरी गारंटी है, ठीक है? टेन सिक्सटी प्लस अल्फा कितना होता है बेटा? √3 + 10 α (1 - √3 tan α) माइनस यहां पे कितना आएगा? √3 - 10 α (1 + √3 tan α) बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, जिसका भी डाउट था बेटा, जिसका भी डाउट था बेटा, सबको क्लियर है क्या? यस सर। अभी जानते हो ऐसी बड़ी क्वेश्चन में काम करना चाहिए, टेन अल्फा को ना एक्स ले लेना चाहिए, एक्स या एक्स मत लो, ए ले लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1/a + √3a / √3 a। आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। अब मैं आप लोगों से बस एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात को ट्रस्ट करके इसको, इन दोनों का एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो। पहले इन दोनों का एलसीएम लो अच्छे से और फिर वापस से एलसीएम लो और सॉल्व बताओ कितना, एक बार में एलसीएम ले लो, चलो सॉल्व करो। टेक एलसीएम एंड सॉल्व, टेक 10 मिनट्स, आई कैन गारंटी यू विल बी एबल टू सॉल्व। एवरी बैच इज एबल टू सॉल्व वंस आई डू टिल हियर।
रैप करें? नहीं नहीं अभी सॉल्व करो, टाइम लोगे ना, टाइम लो, टेक टाइम, टेक 10 मिनट, ये क्वेश्चन करके ही जाएंगे अपन, हो जाएगा। सर डन अरे मैं बार बार रब करने चाह रहा हूँ, सबको करना है ना यार, मैं भूल जा रहा हूँ। सब लोग करो, सबको करो, सबका होगा, सबका होगा, गारंटी देता हूँ, बस पेशेंस रखो।
सबका हुआ क्या? किसी और का हुआ? हाँ सर हुआ। करो करो करो, बाकी वालों भी करो। और हुआ क्या लोगों का? मैं करूं, हो गया? आकांक्षा हुआ क्या बेटा? यस सर। क्रिस्टीन आपका? क्रिस्टीन यस सर हो गया? क्रिस्टीन हुआ क्या? थोड़ा सा करो करो करो, हो जाएगा। बोलिए भाई, करें क्या आगे? कर लिया आप लोग? कर लिया। चलो मैं करता हूँ, जिन लोग कर सबका हो गया है क्या? वन माइनस, देखो पेशेंस का सवाल है, मैंने पहले आपको बोला बस पेशेंस रखते आप बन जाता आपका। बातें ना करो यार, म्यूट करो यार खुद को, जिसकी बातें हो रही हैं। इंटेंसिटी कार गेम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके क्या बन रहा है बताओ? इन दोनों का एलसीएम लेने पे, सिंप्लीफाई करने पे कितना बना है बोलो? ओवरऑल बताओ, ओवरऑल नहीं बताओ, बीच का स्टेप बताओ ना, थोड़ा सा लोगों को लगेगा तो बन सकता है क्वेश्चन। लोग इसमें हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा, और सब ऐसा नहीं कि बच्चे, मैं भी जब ये बनाया था बुक 2003 और 2002 में, तो मैंने भी ये क्वेश्चन छोड़ ही दिया था, हिम्मत ही नहीं हुई थी, मैं तो यहाँ पर छोड़ दिया था, अब क्या करूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ही क्वेश्चन छोड़ते हैं, सब लोग क्वेश्चन छोड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन छोड़ने के बाद वापस से बनाने की हिम्मत करने वाला ही अच्छे कॉलेज में पहुंचता है। 3 - a² क्या हो जाएगा बेटा बताओ? तो कुछ कुछ कट गया ना? यस सर। और एक कट गया, और ये और ये कट गया बेटा, है ना? क्या बच्चा बताओ तो? -8a² / 3 माइनस -8a / 3 - a² हाँ, -8a आ गया है ना, / 3 - a² ठीक है, कितना आ गया? 3 - a² - 8a² / 3a - a³ है ना, हमारा आ जाएगा 3 - 9a² / 3a - a³ है ना।
हैं, तो कुछ तो हो गया, अच्छा नहीं है, क्या हो गया बताओ तो, कोई फॉर्मूला बन गया ना थ्री बार का, तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फा बाई, अरे बोलो भाई, थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा, बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। क्या बनेगा इसके बाद? वन बाय टेन थ्री अल्फा, टेन थ्री अल्फा, क्लियर है? सब लोग कॉपी करें, क्या आपको इस क्वेश्चन से बस ये सीखने को मिलता है, ये स्टेप, जब बड़े कैलकुलेशन हो जाती हैं तो बड़ी चीजों को ए वगैरह से रिप्लेस कर देना चाहिए। सर वो थ्री माइनस नाइन स्क्वायर कहाँ से है? ये वाला, इसका इसका एलसीएम लिया बेटा, थ्री माइनस ए स्क्वायर माइनस एट ए स्क्वायर, एलसीएम लोगे ना? हाँ सर। वो लिया। सर वो लास्ट वाला स्टेप कैसे आया? कौन सा बेटा? 3 अपॉन tan 3 अल्फा सबसे लास्ट। ये फार्मूला है ना बेटा, 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, ये tan 3 अल्फा का फार्मूला है ना बेटा।
कॉपी कर लिए? यस सर। यस नेक्स्ट बोलो सर। 40 41 कौन सा 38 साइन 4a इज इक्वल्स टू 4 साइन a कॉस क्यूब a माइनस 4 कॉस a साइन क्यूब a। ठीक है, तो 4 साइन a कॉस a ले लो बाहर, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना? ये तुम्हारा आ जाएगा कॉस 2a, और इसमें से एक 2 रख के 2 साइन a कॉस a को साइन 2a लिख दो, मतलब 2 साइन 2a कॉस 2a, ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 4a। हो गया? हेलो। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट 39 कॉपी करने दो उसको। 39 ठीक है, 39 में मैं हिंदू हिंट से ट्राई करोगे? हाँ चलेगा सर। चलो करो, मैं बैठा हूं, करो मेरे सामने। कॉस सिक्स अल्फा को ना क्या लिख दो पहले? टू कॉस स्क्वायर थ्री अल्फा। हाँ, 4 कॉस क्यूब 3 अल्फा, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला देख के, यही होता है मेरे ख्याल से। फॉर्मूला चेक करो, क्या होता है कॉस 3 अल्फा का फॉर्मूला? 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3, यही है ना? हाँ, अब कॉस 2 अल्फा को रिप्लेस कर दो किससे? कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना अभी, सर कॉस 2 अल्फा के 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा यूज करें? अभी देखो इस क्वेश्चन में सब कुछ कॉस में है ना, तो साइन क्यों पैदा करूं मैं, है ना? मैं साइन क्यों पैदा करूं बताओ? चलो सॉल्व करो, अभी निकालो एंड तक आंसर। 39 सॉल्व करिए एंड तक, 39 एंड तक सॉल्व करिए। आया क्या 39 वाला?
यस सर आ गया। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है सर। 40 40 tan 3 alpha tan 3 a tan 2 a tan a is equals to tan 3 a minus tan 2 a minus tan a ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि देखो tan 3a को लिखो tan ऑफ 2a प्लस a लिख सकते हो। यस सर। यस अभी tan 2a प्लस a को क्या लिख सकते हो tan 2a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a बोलो लिख yes, सकते sir. हो कि नहीं लिख सकते हो। यस सर लिख सकते हैं। अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना क्या बन जाएगा tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल टू क्या आएगा tan 2a प्लस tan a बोलो होगा ना। और ये दोनों इधर आ जाएंगे तो क्या होगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a tan 2a tan a ये क्लियर है क्या? सर समझेगा कब की फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सिस्टम में क्या था 3a 2a और a था ना। हाँ सर। तो 3a 2a और a में क्या रिलेशन होता है 3a इक्वल्स टू 2a प्लस a होता है ना। यस सर। तो और कैसे प्रोसीड कर सकते हैं समझे ठीक है। ओके सर कॉपी करो मैं सर बहुत तेज दुख रहा है। फिर वो लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। सर डन डन है चलो ठीक है। यस सर नेक्स्ट बोलो सर। 41 हाँ सर 41 हाँ 41 तुम लोग श्योर हो तुम्हारी क्लास में 41 नहीं कराया था मैंने। नहीं सर नहीं करा। हाँ सर नहीं करा। यही प्रूफ करना है आपको।
यस सर सर ठीक है तो अब देखो कैसे करें टफ है क्वेश्चन ठीक है हाँ इस चीज को ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब नीचे में टू कॉस थीटा प्लस वन पहले एटलीस्ट अगर हमको ये लाना है तो एटलीस्ट पहले नीचे में टू कॉस थीटा प्लस वन बना लिया जाए है ना तो नीचे में टू कॉस थीटा प्लस वन कैसे बनेगा बताओ नीचे में टू कॉस थीटा प्लस वन कैसे बनेगा बोलो देखो कैसे बनता है सुनो टू कॉस थीटा माइनस वन टू कॉस टू थीटा माइनस वन सर एलएचएस से आरएचएस की तरह हाँ आरएचएस से एलएचएस आरएचएस से एलएचएस ठीक है ये इसको फोर लिख लो यार ये फालतू में चलो टू स्क्वायर लिख लेते हैं ठीक है ध्यान दे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी तुमको थोड़ी देर वापस से क्या कर रहे हो सर आप अब देखो मैं ना इसको टू कॉस थीटा प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया टू कॉस थीटा प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया क्लियर है ठीक है अभी क्यों मल्टीप्लाई किया ये समझो टू कॉस थीटा प्लस वन से ऊपर दिया तो नीचे वाले को वैसे ही रखा वन बाई टू कॉस थीटा प्लस वन इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा बोलो हाँ बढ़िया 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 शाबाश अब बताओ फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है और यहाँ पे टू थीटा है ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं इसको ना कॉस टू थीटा में चेंज करने का प्रयास करूंगा चेंज करो कॉस टू थीटा में सर माइनस वन प्लस वन करेंगे और फिर उसको टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन सीधा सीधा लिखो ना सीधा 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 देखो मेरा पेन का खत्म हो जाता है मैं इसको टू लिखा और ये टू कॉस स्क्वायर थीटा है तो टू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने वन प्लस कॉस टू थीटा ये बात समझ में आई यस सर ठीक है और यहाँ पे क्या आ गया वन बाई टू कॉस थीटा प्लस वन बोलो यहाँ तक क्लियर है हाँ सर हाँ सर अभी क्या हो जाएगा इनटू वन बाई टू कॉस थीटा प्लस वन इंटू ये हो जाएगा टू कॉस टू थीटा प्लस टू माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस वन इंटू वापस से कुछ दिख रहा है क्या सर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही चीज दिखी ना वापस से है ना तो अब वापस से फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें क्या बन जाएगा बोलो तो फोर कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन फोर कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन चमक रहा है क्या हाँ सर अगला स्टेप बताओ कॉस स्क्वायर कॉस टू थीटा को फिर से खोलेंगे फिर से टू रख के टू कॉस स्क्वायर टू थीटा कितना होगा वन प्लस कॉस फोर थीटा है ना और कॉस फोर थीटा क्या होता है टू स्क्वायर थीटा ये चमकता है ना तो वो स्टेप समझाओ ना वो ब्रैकेट वाला कौन सा स्टेप समझाऊं यार कॉस स्क्वायर टू थीटा को आपने क्या किया कुछ नहीं किया जो ऊपर किया वही किया टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा वन प्लस कॉस फोर थीटा होगा ना यार क्या हो गया नहीं समझा सर कोशिश कर रहा हूँ समझने की अरे भाई समझना क्या है यहाँ पर टू बाहर लिया टू कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर टू थीटा क्या होता है वन प्लस कॉस फोर थीटा नहीं होगा होगा सर वही तो लिखा है मैंने हाँ सर समझा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ वापस से क्या बन जाएगा टू कॉस फोर थीटा फोर को क्या लिख सकते हैं वापस से यहाँ भी फोर थीटा है ना तो फोर को क्या लिख सकते हो टू स्क्वायर थीटा वापस से प्लस वन इंटू टू कॉस स्क्वायर अरे चमका क्या यस सर लास्ट में करते 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 फाइनली क्या बन जाएगा बताओ
अपनी कॉपीज में करो एंड तक, अपनी कॉपीज में। अच्छा ये बताओ तो लास्ट में करते करते फाइनली क्या होगा यहाँ पे, कुछ समझ में आया क्या? कि जैसे यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर टू स्क्वायर आया, ऐसे होते होते तुम्हारे पास ऊपर का नहीं दिख रहा सर। हाँ होते ऐसा होते होते क्या होगा बताओ, ऐसा होते होते तुम्हारे पास फाइनली क्या हो जाएगा बोलो, वन बाई टू कॉस थीटा प्लस वन। हाँ सर, वन बाई टू कॉस थीटा प्लस वन है ना, और इनटू क्या बचेगा, ये वाला ब्रैकेट एक रहेगा। हेलो, तुमको पैटर्न नहीं समझ में आया, इसके पहले क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे उसी चीज का प्लस के साथ आ रहा है ना बार बार। हाँ सर, उसी चीज का प्लस में आएगा, उसी चीज का प्लस में आएगा ना, टू कॉस स्क्वायर टू की पावर एन माइनस वन थीटा प्लस वन है ना। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ना, टू कॉस टू की पावर एन थीटा प्लस वन। चमका क्या, कॉपी करो, सर वो न्यूमरेटर वाला पार्ट नहीं समझा, मतलब सर जो आपने टू कॉस टू टू द पावर एन माइनस वन थीटा प्लस वन और टू कॉस सेम चीज। एक काम करो ना, तुम फोर तक करके देखो, तुम बस इतना करके देखो फोर का, जब फोर करोगे तो क्या बन जाएगा, जब यहाँ पे फोर होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा, एट बन जाएगा, करके देखो यहाँ पर, देखो ना तुम क्या कर रहे हो, एक बार अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो, पैटर्न दिखेगा। ओके सर, लिखो एक बार, पैटर्न दिखेगा। कॉपी सर, कॉपी करके पहले समझ तो लो एक बार अच्छे से।
सबको क्लियर है क्या क्वेश्चन अच्छे से? यस सर। यस सर। हाँ सर। दो मिनट रब मत करना, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास कभी है? संडे। संडे ठीक है सर। आपने 11 बजे बोला था ना? हाँ बेटा। ओके सर। सर संडे को जरा जल्दी नहीं हो सकता? बताओ कितने बजे? सर उसके पहले, आधा एक घंटा पहले कभी भी चलेगा। कर लो ये सब, कोई भी चीज ग्रुप पे डिस्कस कर लो ना आराम से, ठीक है? सबका व्यू पॉइंट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सर सबसे पूछ लीजिएगा, मतलब एक मैं क्या सबको फोन थोड़ा करूंगा, तुम ग्रुप पे डाल दो, किसी को दिक्कत होगी तो बता देगा, है ना? ठीक है बेटा। वैसे ऐसा क्या है, आधे घंटे में क्या हो जाएगा तुम्हारा? सर नहीं, थोड़ा बाहर जाना था इसके लिए। कोरोना में बाहर कहाँ जा रही है रे? बाहर कहाँ जा रहे हो? कोरोना कहा? गाँव। कहाँ है गाँव तेरा? नागपुर में है। नागपुर में है, ठीक है। कौन नाम, कौन बोल रहा है ये? सर आकांक्षा। अच्छा ठीक है, तुम लोग नागपुर के रहने वाले हो? हाँ सर। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, चलेगा ठीक है, पहले कर लेंगे, बता देना ग्रुप पे डाल दो क्या टाइमिंग की है, ठीक है? चलो मैं भी होमवर्क डाल दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास का, वो होमवर्क नेक्स्ट क्लास में करके आओ, ठीक है? और आज okay, सर आप आईपीएल देखते हो? हाँ मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 साल क्रिकेट छोड़ दो प्लीज, ठीक है? ठीक है। मैंने मतलब क्रिकेट के नाम पे बहुत सारी चीजें लाइफ में खराब करी है अपनी। मैंने 11th का फाइनल एग्जाम ही छोड़ दिया था, तब दैट टाइम वो चल रहा था अपना क्या बोलते हैं वर्ल्ड कप 2003 का चल रहा था, मैंने एग्जाम ही छोड़ दिया था 11th का अपना, ठीक है? तो ये सब बेकार चीजें होती है, पढ़ाई करना है समय पे, पढ़ाई सब कुछ समय पे रहती है, ठीक है? आपने 10th का बोर्ड छोड़ दिया? 10th का नहीं पागल, 11th का। मेरे पापा ने सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब खतरनाक लोगों। सुनो एक काम करो, मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में ना आप एग्जाम्पल 17 वापस से बना के आना, जिसको डाउट होगा वापस से मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। मैं होमवर्क डाल रहा हूँ अभी।